भी एक क्वेश्चन है, अगर मान लो कि बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र के बीच में एक नाव डूब रही है, मतलब 100 मीटर दूर है तुम्हारे किनारे से, तो तुम उसे तुम्हें समझ आती है, तैरना आता है, तुम उसे कैसे बचाओगे उस नाव वाले इंसान? अरे लेकिन मम्मी एक बात बताओ, तुम समुद्र के बीच में तैरते क्यों जाओगी? इससे अच्छा सोचो ही मत ना, मैं तो कहा मान लो मत मानो। नहीं मानोगे तो नाव वाला है तो मैंने तो ये कहा मान लो ना मत मानो ना, नहीं मानोगे तो क्यों जाना पड़ेगा किनारे, नहीं जाओगी? क्यों ना मान लो, असलियत थोड़ी ना हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मान लो। मान तो लिया ना, तो मत नहीं मानोगे तो नहीं जाओगे ना इतना दूर। माने ही कैसे नहीं जब वो नाव वाला है उधर। लेकिन मैं तो बोला मान लो, असलियत थोड़ी ना है। बात नहीं है, मान लो तो खा लो, नहीं मानता मान लेना, खा चुका हूँ मैं। नहीं मैं नहीं, खाली मत परेशान। नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं खाऊंगा, मैं मानूंगा नहीं खाऊंगा मैं। तुम उतना दूर जाओगी समुद्र के बीच में, इससे अच्छा तुम ये मानो ही मत ना कि कुछ है वहाँ पर, नहीं मानोगे तो नहीं जाना। तो बोल दूंगी ना कि अब बाबू खा चुके हो, अब मत मान लो। उल्टा सवाल है, उल्टा सवाल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मैंने पाव खाया था, क्रीम पाव, तो मम्मी उठाएगी, उठा सीधे इसको, मम्मी उठाएगी। खा लिया है, क्रीम है, क्रीम उसका दिया है मेरे को, नहीं दिया? नहीं। क्यों? अब तुम यहाँ से नीचे चली जाओ। आज भैया कहाँ गए? भैया गए हैं आज अलीबाग। अलीबाग कल नया साल है ना? हाँ। वही पे एंजॉय करेंगे, वही एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे देखेंगे फादेंगे आ जाएंगे। फादेंगे नहीं, बाय। हाँ हाँ बाय। ओके सो वेलकम बैक टू चैनल अगेन हेमंत तिवारी व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और भैया गए हैं अलीबाग मस्त एंजॉय करने, और जितने भी लेक्चर है तो यूट्यूब के ऐप की क्लास 10 दिले मंडल सब मेरे हवाले करके गए, तो पूरा मैं संभालने वाला हूँ। एंड मैं अकेले हूँ आज स्टूडियो में, कोई है भी नहीं, देख लो पूरा स्टूडियो खाली है। और मैं क्या बताऊँ यार, मैं पक गया हूँ, भैया मुझे लेके नहीं गए, जाने का मन था बट मैं सिर्फ आप लोग के कारण नहीं जा पाया, क्योंकि अगर मैं जाता तो स्टूडियो में कौन संभालता और लेक्चर भी नहीं हो पाते। तुम लोग की वजह से मैंने अपने सपनों को चूर चूर कर दिया। तो अभी थोड़ी देर में मुस्तफा आने वाले आई थिंक, और बाजू वाले स्टूडियो में सफक मैम आने वाली हैं, तो अब उनका वेट करेंगे। सफक मैम का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि बेटा मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, तुम सेटअप करके रखना, आते ही स्टार्ट कर दूंगी। अब मैम थोड़ा रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, आते ही स्टार्ट लेक्चर। ये मतलब अब तो शुरुआत होगी, साल कैसा था, मस्त रहा होगा? अगर नहीं आ तो ये सिर्फ ये सोचो कि 2023 में जो एग्जाम लिखो ना, वो एग्जाम एकदम बढ़िया जाए, और अगला साल आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि हर चीज आप 2023 में पाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए 2023 में क्या है बेटा, वो है आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपका स्कोर। ये डेवलप करने के लिए आज अभी से रिजोल्यूशन ले रहा हूँ that I want to be a successful one in the near future, that is next year. बस ये कर लिया ना, तो उस बाकी हर चीज़ आपको लाइफ में मिल जाएगी। तो I welcoming you all to your favorite 31st की पार्टी मनाने वाले हैं हम लोग, देखना कुछ तो न्यू आने वाला है। न्यू नहीं है, I mean देखना पड़ेगा, सामने ही खड़े भैया, चलो उठा लेते हैं, पार्सल है। ये रहा हमारा पार्सल, भैया तो है नहीं, अभी हम जाएंगे देखेंगे क्या ऑर्डर किया भैया ने, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्या है। तो गाइस ये है 31st की पार्टी, बर्गर और कुछ फ्रेंचाइज। अभी आप बोलोगे कि यार मैम ऑन द स्पॉट कोई पोयम हम कैसे बनाए, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि आपके इसमें विजय सर का लेक्चर चल रहे हैं, इसमें रूपेश सर का मैथ्स का, इसमें यूट्यूब में चल रहे, इसमें ऐप में चल रहे। अब मैं जाऊँगा नीचे, मॉम डैड कहीं तो जा रहे हैं बाहर, अब देखते हैं भाई। मार्केट जाएंगे लोग घूमने के लिए, मम्मी पापा दोनों, तो मार्केट मम्मी अब ये मम्मी बैठ के मेकअप कर रही हैं, मेकअप ही कर रही हूँ ना। और फिर कब आओगी भाजी लेके आ जाएंगे? भैया कहाँ गए? भैया तो गए हैं वहाँ। कहाँ? वहाँ गए हैं ना। कहाँ? भूल गया। मैं भी, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो याद था। भैया सुबह आएंगे, आज आज सुबह गए, कल सुबह आएंगे 31st। हाँ याद आ गया मम्मी। अलीबाग
और अली बाग नया साल मुबारक हो, पुराने साल की हार्दिक शुभकामनाएं जो जा रहा है। पुराने साल की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, पुराने साल की हार्दिक शुभकामनाएं जो गया, और नए साल की मुबारक हो हार्दिक शुभकामनाएं जो आ रहा है। आज मम्मी ने पूरा यहाँ साफ भी किया। आज किया, रोज ही करती है मम्मी। आज यहाँ भी मम्मी। और अभी ये लोग घूमने जाए, मार्केट जाएंगे, कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेके आना अभी। और हाँ, अब मस्त ऊपर लेक्चर चल रहे हैं, और ये रहा मेरा बेड, और यहाँ सो गया, और ये रही मेरी टीवी। अभी कुछ देखूंगा और ऊपर लेक्चर चल रहा है, अपने लेक्चर को टीवी में देखूंगा, और जैसे कुछ बंद होगा ये देखो डायनामिक्स ये शुरू कर लिया। अभी इसी को देखूंगा, इंपॉर्टेंट है। 31st को कोई लेक्चर लेता ही नहीं यार, 31st सब बंद करते, हम अपना पार्टी सब कुछ छोड़ के आपके साथ है, आपके लिए कि आपको अच्छा पढ़ाई, आपका लाइफ बने यार, बिकॉज ऑफ यू हम यहाँ पे, आप भी बैठे हो, ऐसा नहीं कि आप कोई पार्टी मना रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हो मतलब लेक्चर्स के लिए बैठे हो यार, बैठे हो तो पढ़ लो, डेढ़ घंटा दो घंटा डजंट मैटर, बट आप सब स्टूडेंट लेक्चर में हो और मैं लेक्चर ले रहा हूं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बच्चे लोग डिनर की तैयारी कर रही हैं, पापा भी कहीं घूमने गए हैं और मैं भी जिम जाऊंगा, क्योंकि आज 31st है ना यार, अकेले इंसान कहाँ जाएगा घूमने, तो जिम ही जाऊंगा ना, और क्या, जिम बंद होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, अब जाके देखता हूँ। अरे ये भाई देख रहे हो, हम सिंगल लोग का हाल क्या है। देख लो, देख मैं जिम जा रहा हूँ, तू भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखो जिम में भीड़ होती है कि नहीं होती, वो भी देखना है। पता है क्या मस्त वाली पॉपर्ट हुई, जिम बंद है, हो साला हम लोग का कहीं इलाज ही नहीं है, अब यही पैर घर पे जाना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं हुआ इतना भाग भाग के आके। हट, पानी की बॉटल भी लाया हूँ, सब्जी रोटी खा के आ रहा हूँ मस्त, और हैप्पी न्यू ईयर का वेट करूँगा, तब तक लाइट वगैरह लगा के बिस्तर तो लगा लूँ एटलीस्ट। 12 बजे मेरे मोहल्ले वाले ना मुझे सब बोल के रखे हैं कि हेमंत अतुल भाई सोना मत, मैं बोला यार इतना वो नहीं हूँ, और भाई गॉड पिल्लो वगैरह लाने तो भूल ही गया मैं, मुझे ना ऑफिस जाना पड़ेगा सिर्फ पिल्लो लेने के लिए, चलो लेके आ जाते, उनका तो काम है। वैसे ये रहा मेरा प्यारा सा बिस्तर, और ये रहा मैं, और सभी को आपको मेरी तरफ से इस 2023 आने वाला है, तो अब बस एक चीज़ फोकस करना कि तुमको कहीं भी ध्यान नहीं देना है, तुमको सिर्फ याद रखना कि करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, अर्न स्टार्ट करना है कहीं से भी हो, डज नॉट डिपेंड कि तुम डिग्री हासिल करोगे अपने लाइफ में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, 12th में 89 आया 95 आया ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि तुम क्या करते हो, ठीक है ना, तुम क्या मतलब अर्निंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, तुम्हारे मॉम डैड क्या उस पैसे से खुश हैं, सबसे बड़ी वो डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो बस लाइफ में कुछ अच्छा खासा बनना, और 12th में अच्छा मार्क्स है तुम लोग को, मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगा यार, देखते देखते पता नहीं ये कब निकल गया, 2020, 2021, 2022 वो भी निकल गया, अब 2023 भी स्टार्ट हो गया है, कल 2023 है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं स्मॉल चीज़, छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं कभी रुकना मत, कभी हार मत मांगना, ना मानना कुछ भी, नहीं सिर्फ फोकस करना करियर में, ठीक है, नॉलेज गेन करना, ये नहीं कि किसी लेक्चर नहीं हुआ तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ये कोई ना बहाने नहीं, एक्सक्यूज मत दो, समझ गया ना, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस तो तुम कुछ भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भैया यहाँ से कहाँ गए, अलीबाग वहाँ समथिंग कुछ गए हैं, कल सुबह आ जाएंगे वो 1 जनवरी को, तो बस इन्जॉय करना अपने अपने लाइफ को, ठीक है, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।